अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश क्लास 3 यूनिट 2 लेसन 4 सेंटेंसेस कंजक्शंस। एज वी ऑलरेडी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। पंचुएट दिस पैसेज एंड चूज द करेक्ट कंजक्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। वी हैव टू पंचुएट दिस passage and also have to put these conjunction words. As I already have told you about the uses of and, but, so and because, now we are going to use these words in this passage. First of all, you will start with capital letter I. I wasn't sleeping well because I was dreaming about the wolf. Full stop. In the story, capital, suddenly I woke up and heard a noise outside the house. Full stop. It sounded like the big wolf. Full stop. At first I was afraid, so I didn't get out of bed. Full stop lagega. I capital लगेगा। I tried to get up to sleep again, but I couldn't. Full stop. Then का T capital लगेगा। Then I heard the noise again, so I got out of the bed and went to the window. Full stop. I capital. I looked out of the window, but I couldn't see anything. Full stop. Then का T capital. Then I saw an animal under the trees. Full stop. It wasn't a wolf because its tail was longer than a wolf. Full stop lagega. Wolf's tail. Yahan pe full stop lagega. Theek hai? Suddenly ka S capital. Suddenly it ran up to the tree and I saw it was a monkey. Full stop. I capital. I went back to bed and went to sleep. Full stop. ठीक है, this is the punctuation of this paragraph. Understand? Now let's come to the page number 11. It is unit 2 lesson 5, the three little goats part 2. As we studied before the part 1 of the three little goats, today we are going to study the part 2 of the three little goats. We have to answer this question. What is the question? Where did the wolf start its climb? Where did it finish? Wolf ne kahan se chadhne shuru kiya aur kahan pe uska khatam hua? Theek hai? The three little goats heard the wolf climb inside the top of the chimney. तीन छोटी बकरियों ने सुना कि जो भेड़िया है वो उनकी चिमनी से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दे वर अफ्रेड, वो खौफजदा हो गई। ओह नो, अरे नहीं, द वुल्फ इज कमिंग डाउन द चिमनी, भेड़िया चिमनी से अंदर आ रहा है। दे शाउटेड, वो चिल्लाई। टुगेदर, इकट्ठी, वो इकट्ठी चिल्लाई। क्विक, जल्दी। सेड टाइनी हॉर्न, टाइनी हॉर्न ने कहा जल्दी करो। पुट सम स्टिक्स ऑन द फायर, आग पे कुछ लकड़ियाँ रखो। इट विल बी टू हॉट फॉर वुल्फ, और ये भेड़िए के लिए बहुत गर्म होगा। बट द वुल्फ कंटिन्यू टू क्लाइम डाउन द चिमनी, लेकिन भेड़िए ने फिर भी चिमनी से उतरना जारी रखा। क्विक, जल्दी करो। सेड शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न ने कहा जल्दी करो। पुट सम वेट लीव्स ऑन द फायर, आग पे कुछ गीले पत्ते रखो। इट विल बी टू स्मोकी फॉर वुल्फ, ये भेड़िए के लिए बहुत ज़्यादा धुएं वाला होगा। बट द वुल्फ कंटिन्यू टू क्लाइम डाउन द चिमनी, लेकिन भेड़िया फिर भी चिमनी से उतरता रहा। क्विक, जल्दी करो। सेड लॉन्ग हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न ने कहा जल्दी करो। पुट सम स्टिक्स ऑन द फायर, मूव the pan of hot water over the flames, जल्दी करो। आग में कुछ और लकड़ियाँ रखो और गर्म पानी के बर्तन को
आग पे रखो। द वाटर विल बी टू हॉट फॉर वुल्फी। ये पानी वुल्फ के भेड़िए के लिए बहुत गर्म होगा। सून दे कुड सी द वुल्फ्स टेल अबव द फायर प्लेस। जल्द ही उन्होंने आग वाली जगह पे भेड़िए की दुम देखी। क्विक, जल्दी करो, सेड टॉइनी हॉर्न। टॉइनी हॉर्न ने कहा, पुल, खींचो। सो दे पुल द वुल्फ्स टेल, इसलिए उन्होंने भेड़िए की दुम खींची। एंड द वुल्फ फेल इन टू द पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, और भेड़िया उबलते हुए गर्म पानी के बर्तन में गिर गया। शॉर्ट हॉर्न हिट द वुल्फ ऑन द हेड विद द बिग आयरन स्पून। शॉर्ट हॉर्न ने भेड़िए के सर पे आयरन के चम्मच से मारा। लॉन्ग हॉर्न पुट द लिड ऑन द पॉट। लॉन्ग हॉर्न ने उस बर्तन पे ढक्कन रख दिया। एंड टाइनी हॉर्न पुट अ हैवी स्टोन ऑन द लिड। और टाइनी हॉर्न ने उस ढक्कन के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया। दैट वॉज द एंड ऑफ द बिग बैड वुल्फ। और ये उस बुरे भेड़िए का अंजाम था। ठीक है बच्चों, आपने इस चैप्टर की अच्छी तरह रीडिंग करनी है घर में। कल मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग और नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, आप आज आपने पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3 किया और साथ ही यूनिट 2 लेसन 5 की रीडिंग की। ठीक है, आज के लिए इतना ही इंग्लिश का होगा। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।